पहले तो लगा था कि दिस इज अ सिंपल केस ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग। कबीर नशे में आकर गाड़ी चला रहे थे और उनसे एक्सीडेंट हो गया और अनमोल पेंडसे की मौत। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते ऐसा लग रहा है कि कहानी शायद कुछ और ही। इट इज अ केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। रजत खुराना के घर से कबीर खन्ना के फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, यहाँ तक के खून के निशान भी पाए गए हैं और इस चाकू पर पाए गए खून की ट्रेसेस रजत खुराना के घर से बरामद रजत के डीएनए से मैच किया गया एंड दे मैच योर ऑनर। और इस पर दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स हैं, एक कबीर के और दूसरे रजत के। फोन किया है इसने रजत का। योर ऑनर, समय में अदालत को बताना चाहूंगा कि रजत खुराना का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ। हम ये भी नहीं जानते कि वो मृत है या जीवित। आशा करता हूं कि वो जीवित है, किंतु जब तक वो हमें नहीं मिल जाते या उनका शव हमें नहीं मिल जाता, इस अपराध को सिद्ध करना असंभव है। लेकिन मिस्टर पाठक, रजत खुराना 2 महीने से मिसिंग है। क्या उसके घर वालों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं की? नो योर ऑनर। एक्चुअली रजत हाल ही में अमेरिका से इंडिया आए थे तो बहुत कम लोगों से उसकी पहचान थी। शुरू में वो अकेला ही रहता था, फिर उसका संबंध किसी और से हुआ। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी देंगे डिटेक्टिव बॉस्को फर्नांडिस। मैम, मिस्टर कबीर खन्ना मेरे पास ठीक 2 महीने पहले आए थे ये शक लेकर कि इनकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है। मैंने छानबीन की, इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इनकी बीवी मिसेस खन्ना का अफेयर मिस्टर रजत खुराना के साथ। और जब ये बात मैंने इन्हें बताई तो मुझे इसी वक्त इसका पता चाहिए। ये खन्ना साहब, आप कुछ ऐसा मत कीजिए। करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिससे उसकी रूह कांप जाएगी। समझ गए तुम? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, उसकी सारी सांसें खींच लूंगा। सर, आपको ये बात याद नहीं होगी लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने क्या कहा था। वो किसी को बॉस्को जी क्या स्मरण है ये बात, अर्थात कोई और साक्षी वहाँ इस बात का आपके अतिरिक्त? नहीं सर, वहाँ तो कोई मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे रजत खुराना का एड्रेस लिया और सीधा उसके घर चले गए। झूठ बोल रहा है ये। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, ये डिटेक्टिव झूठ बोल रहा है। उस दिन रजत से वो पता लेकर कबीर सीधा मेरे घर आया था। आपके पास? लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी अच्छी दोस्ती थी। कबीर मुझ में अपनी सारी बातें कन्फाइड करता था। ब्लडी मालिनी, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मगर वो किसके साथ है कबीर? अरे किसी के साथ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या करूँगा? मेरी तो लाइफ खत्म है। ऐसा मत कहो कबीर, तुम थोड़ी देर लेट जाओ, आराम मिलेगा। मैम, फिर देर रात तक कबीर मेरे घर सोता रहा और फिर उसके फोन पर मालिनी का मैसेज आया। उन्हें उस रात मनीष सर की पार्टी में जाना था तो कबीर उठा और अपने घर चला गया। फिर मालिनी के साथ पार्टी में और जिसके पश्चात वो दुर्घटना घटी जिसमें मोल पेंडसे की मृत्यु हुई। क्या आपको लगता है लैला जी के इस समय के बीच खन्ना साहब गए होंगे रजत के घर उनसे मिलने? नहीं। तो इस चाकू पर उसका निशान और रजत के घर में कबीर का होने का सबूत? वो मुझे नहीं मालूम मैम, पर उस दिन कबीर मेरे साथ था ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लैला जी, माना कि आप मेरे मुवक्किल के पक्ष में बोल रही हैं, लेकिन क्या इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं, लेकिन सर, कबीर किसी का खून नहीं कर सकता। वो एक नेक दिल इंसान है, एक हीरा जिसकी कदर मालिनी ने कभी नहीं की। योर ऑनर, बॉस्को और लैला जी दोनों के कथन एक दूसरे से विपरीत है। अब सत्य क्या है ये तो संभवतः हमें खन्ना साहब बता सकते थे, किंतु अपनी स्मरण शक्ति खो बैठे हैं, या रजत जी बता सकते थे किंतु वो लापता है। इसी कारण योर ऑनर, रजत जी के पता लगने तक नहीं लगने वाला रजत का पता, क्योंकि इन भाई साहब ने तो उसकी लाश को कब का काट के कहीं फेंक दिया होगा। और अब वेरी कन्वीनियंट है कि उनकी याददाश्त ही चली गई है, तो अब तो उन्हें पता ही नहीं कि लाश कहाँ है। योर ऑनर, संभवतः इनकी पत्नी जी मालिनी इस बात पर रोशनी डाले। मालिनी जी कबीर साहब और रजत जी को जोड़ने वाली कड़ी आप हैं। इस दलदल से सबको निकालने वाली आप हैं, तो कृपया बताइए सत्य क्या है। कबीर और मैं पिछले 4 सालों से शादीशुदा हैं। पिछले 2 सालों से हम में अनबन होने लगी और हमारे बीच फासले बढ़ने लगे, जिसकी वजह वहां बैठी वो लड़की लैला है। आई थिंक उसने अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। लैला और मेरे पति को मजनू बनाने चली थी। Am I right, लैला? और उसी दौरान मेरी मुलाकात रजत से हुई। मैं रजत के करीब आने लगी, लेकिन जब तक मैं इस बात को रियलाइज कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर को हम पर शक हो चुका था और उसने हमारे पीछे डिटेक्टिव्स लगा दिए। नहीं, ये सब तो हम जान चुके हैं। अब ये हमें बताइए कि पार्टी के बाद तो दुर्घटना घटी, लेकिन पार्टी के पहले क्या आपको ऐसा संदेह है, शंका है कि आपके पति कबीर साहब रजत जी के घर गए होंगे? केडी सर, वैसे तो मैं बहुत नफरत करती हूँ उस औरत से, लेकिन इस समय वो जो भी कह रही है वो बिल्कुल सत्य है। उस रात कबीर लैला के साथ ही थे। अपने पति को बचाने के लिए अच्छी एक्टिंग कर रही हैं आप। मैम, कबीर ने रजत को नहीं मारा। हो सकता है रजत जिंदा हो और क्या पता वो वापस अमेरिका चला गया हो। इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है मिसेस खन्ना, और सच अभी आपके सामने आने वाला है जो शायद आपको भी पता नहीं है। योर ऑनर, मैं पेश करना चाहूंगी इस केस का आखिरी और सबसे अहम गवाह, कबीर के बिजनेस पार्टनर मिस्टर मनीष मखीजा। ये ऑनर, अभी तक मैं अपने दोस्त कबीर को बचाने के लिए चुप था क्योंकि ये सिर्फ एक्सीडेंट की बात थी, लेकिन अब ये रजत का राज सामने आने के बाद, इससे पहले कि पुलिस मुझ तक पहुंचे, आई हैव टू टेल द ट्रूथ। कबीर को जब रजत की असलियत पता चली, बेशक वो लैला के घर गया होगा, लेकिन उससे भी पहले कबीर मुझसे मिला। थोड़ा पागल हो गया तू? ये गन मुझे दे, मैं उस कमीने की जान ले लूंगा। शूट हिम, लीव द गैस, और जेल चले जाना। शाम को और मालिनी के साथ मेरे घर पार्टी में आ रहा है ना, तो तीनों मिलकर आराम से बैठकर बात करेंगे। बात करने का टाइम चला गया, समझ गया कि नहीं? लू देख, बात करने ना उसकी लाश से बात करना। छोड़ उसको, कबीर, आई विल सॉर्ट इट आउट। और उसके बाद कबीर रजत के घर गया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ यही हुआ था। योर ऑनर, 4 गवाह लैला, बॉस्को, मनीष जी और मालिक। उस दिन की घटनाक्रम को लेकर सबका अपना कथन है, लेकिन किसी के पास प्रमाण, साक्ष्य या साक्षी नहीं है। रजत जी लापता है, कहाँ है किसी को नहीं पता, जीवित है या मृत ये भी कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में योर ऑनर, इस केस में आगे कैसे बढ़ा जाए? आई एग्री मिस्टर पाठक। वैसे भी मुझे यकीन है कि पुलिस जल्दी रजत का पता लगा लेगी। जब तक इस केस में कोई नया पहलू न दिखे तब तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। मिस्टर पाठक जी, आप भी जानते हैं कि रजत मर चुका है, वरना कोई भी इंसान इतनी देर तक गायब नहीं हो सकता। अब रजत खुराना साहब मर चुके हैं या उन्हें किसी ने मारा, किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, ये इस प्रश्न का उत्तर हमें कबीर ने ही मारा है। उससे मिस्टर, उसकी उंगलियों के निशान चाकू पर पाए गए हैं। आपकी उंगली के निशान मेरी पेंसिल पर है। रखिए अपनी पेंसिल। धन्यवाद। और आपकी उसली पहेली भी। कौन सी पहेली? हाँ, वरुण ने बताया था, लेकिन मिस्टर पाठक जी, उस पहेली का जवाब क्या है? बाद में बताऊंगा, समय मूड नहीं है। सबसे बड़ी पहेली मेरे लिए यह है कि रजत खुराना कहाँ गया? 2 महीने से लापता है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया उससे। ना जमीन ना आसमान, उससे भी ऊपर, सीधा गॉड के पास। रॉन्ग। रजत जिंदा है और मेरी उससे बात भी हुई है मिस्टर पाठक। ही इज अलाइव और इस समय वो अमेरिका में। और ये आप कैसे कह सकती हैं? वेल मिस्टर पाठक, मेरे पास रजत का एक पुराना नंबर था, यूएस का इमरजेंसी कॉल नंबर। मैंने उसी नंबर पे उसे कांटेक्ट किया। मैंने उसे मैसेज किया कि इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, किसी भी तरह से मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें। फिर उसके बाद आज शाम को रजत से मेरी इंटरनेट पे बात हुई और उस वीडियो चैट को मैंने रिकॉर्ड किया सो दैट मैं आपको और अदालत को ये प्रूफ दे सकूं। प्लीज मालिनी, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे मत घसीटो तुम्हारे प्रॉब्लम्स में। तुमसे कहा है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। रजत प्लीज, ये मेरे लिए नहीं है, ये कबीर के लिए है। प्लीज एक बार इंडिया आ जाओ ताकि ये साबित हो जाए कि तुम जिंदा हो, वरना कबीर को बेवजह तुम्हारी मौत के इल्जाम में कोर्ट सजा सुना देगी। इस सारे झंझट से बचने के लिए मैं तुमसे दूर हुआ हूँ। अब मुझे इन सब में नहीं पड़ना, तुम्हें जो करना है करो। मैं जानती थी कि रजत अब कोऑपरेट नहीं करेगा। हाँ, उस दिन कबीर ने रजत पर हमला किया था और उस डर से रजत हमेशा के लिए यूएस भाग गया। योर ऑनर, मेरा सजेशन है कि पुलिस रजत से संपर्क करे और पता करने की कोशिश करे कि उस रात को असल में क्या हुआ था। मैडम गुहा, रजत ने मेरे से बात करने के बाद अपने सारे नंबर्स बदल दिए हैं और वो अब काफी सतर्क भी हो चुका है। अगर हमने उसको एक और बार कॉल किया या उसे वापस संपर्क करने की कोशिश करी तो हो सकता है वो अंडरग्राउंड हो जाए। और जब रजत जिंदा है तो कबीर रजत का कत्ल कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कबीर रजत की हत्या? रजत जिंदा है। मालिनी जी, मैं जानता हूँ कि ये जो प्रमाण आपने प्रस्तुत किया है अदालत में, इसमें मेरा ही लाभ है। अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि रजत जी इस समय अमेरिका में हैं, तो मेरे मोकिल और आपके पति खन्ना साहब एक आरोप से तो तुरंत बरी हो जाएंगे। किंतु दुर्भाग्यवश आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती। आपके कहने का क्या मतलब है केडी? मतलब ये कि जो प्रमाण आपने प्रस्तुत किया है अदालत में, ये झूठी है। साइलेंस इन द कोर्ट। ओह कम ऑन मिस्टर पाठक, मैं प्रोसिक्यूशन में हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये असली है और यही रजत खुराना है। ये व्यक्ति रजत खुराना ही है, किंतु ये वार्तालाप जो है ये कल की नहीं, ये मेरे अनुमान से तीन महीने से अधिक पुरानी है। और इस पर इन्होंने अपने कल की वीडियो रिकॉर्डिंग लगा कर ये ऐसा हमें आभास दिलाने का प्रयत्न किया है कि ये कल का ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इस रिकॉर्डिंग को एक बार देखें। आप भी प्रोसिक्यूटर साहिबा देखिए। देखिए, जब रजत जी बात कर रहे हैं तो उनके पीछे एक टीवी चल रहा है। ये तो किसी फुटबॉल मैच का फुटेज है। तो ये जो मैच, ये वर्ल्ड कप का फाइनल था मालिनी जी, जो जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच हुआ था, जिसमें जर्मनी जीती थी। अब कृपया अदालत को ये बताइए कि 3 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग को कल की रिकॉर्डिंग बताकर आप अदालत को गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? बोलिए ना, क्यों किया? मैं बोलती हूँ मिस्टर पाठक, ताकि दुनिया को लगे कि रजत खुराना जिंदा है और तुम्हारा पति कबीर बच जाए, जबकि तुम जानती हो कि रजत खुराना मर चुका है। सच बोलो मालिनी, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। यस योर ऑनर, यही सच है। ये सब जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो मालिनी जी अब ये बताइए कि वास्तव में उस दिन हुआ क्या था? डिटेक्टिव बॉस्को ने कबीर को रजत के घर का पता दिया। मिस्टर मखीजा से मिलने के बाद कबीर रजत के घर गए और एक घंटे के बाद वापस घर लौटे। मार दिया उसे, मार डाला तुम्हारे आशिक को मैंने। क्या? What are you saying? वो मुझे मारना चाहता था, मुझे। मैं अपने आप को बचाने गया और गलती से चाकू उसे लग गई। कबीर मैंने तुम्हें कहा था मैंने तुम्हें कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मैंने बकवास बंद करो अपनी, समझ गई तुम? सब पता है मुझे। क्या होगा अब? पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। Do you know that? पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, क्योंकि रजत की लाश को मैंने पत्थर बांध के समंदर में फेंका। Kabir, you've gone mad. I have gone mad. Just because of you, समझ गए तुम? मैं कल अपने लॉयर को फोन करके तुमसे डाइवोर्स लूंगा। Is that clear? और आज रात हमारी लास्ट पब्लिक अपीयरेंस है मनीष की पार्टी में। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। Is that clear? No, Kabir, you can't do that. लेकिन उस रात जब कबीर और मैं उस पार्टी से लौट रहे थे तब वो एक्सीडेंट हो जिसमें कबीर की याददाश्त चली गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और कबीर को वो कड़वा सच नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं कबीर के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ दोबारा, इसलिए मैंने रजत के बारे में कबीर को कुछ नहीं बताया। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। आपने खुद स्वीकारा है कि आपके पति ने रजत खुराना का कत्ल किया, उसकी लाश को ठिकाने लगाया और फिर शराब के नशे में भाग रहे थे जब कि दूसरा हादसा हो गया और अनमोल पेंसे की जान चली गई। आपके पति ने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं। थैंक यू मिस्टर पाठक। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये जीती हुई बाजी मेरे हाथ में क्यों थमा दी। अगर आप चुप रहते तो हम इस वीडियो को सच मान लेते और आपके मुवक्किल पर से मर्डर का केस हट जाता एंड यू वुड हैव वन। मेरी लड़ाई जो है वो इस केस तक सीमित नहीं, झूठ सच को लेकर है। झूठ का सहारा लेकर सत्य तक पहुंचना मेरे व्यक्तित्व में नहीं। भले ही सच आपको हरा दे, सच की कभी हार नहीं होती नस्मा। तभी कहते हैं सत्यमेव जयते। आप तो महान है मिस्टर पाठक, लेकिन अफसोस ये है कि आपका ये क्लाइंट महान नहीं शैतान निकला। योर ऑनर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें कबीर की कोई गलती नहीं। ना मैं रजत को अपनी जिंदगी में लाती, ना कबीर उसे मारते और ना उस रात वो एक्सीडेंट होता। मतलब आपको पता था मिसेस खन्ना कि उस रात आपके पति नशे में थे। अब ये भी बता दीजिए कि लाश कहाँ है। ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कबीर ने रजत की बॉडी को समंदर में फेंका और उसके बाद वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें कबीर की याददाश्त चली गई, और ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। योर ऑनर, ये केस कुछ ऐसे स्तर पर आ गया है कि अब जब तक रजत जी का शव, उनका मृत शरीर बरामद नहीं किया जाता, पोस्टमार्टम नहीं होता, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी को भी हत्यारा करार देना उचित नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं मिस्टर पाठक, ये केस आज भी उसी जगह खड़ा है जहां पिछली अदालत में था। रजत शर्मा आज भी लापता है और जब तक उनकी लाश मिल नहीं जाती तब तक इस केस का कुछ नहीं हो सकता। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। और इसके साथ ही कबीर खन्ना 99 पे आउट। और मनीष मखीजा इस कंपनी का अकेला मालिक। एक नंबर के कमीने हो तुम मनीष। जबान संभाल के बात कर। बॉस हूँ मैं तेरा आशिक नहीं हूँ मैं जो तेरी इन सारी बदतमीजियों को कबीर की तरह अपने सर पे लेके घूमूं। ये जो जश्न तुम मना रहे हो ना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं क्योंकि कबीर को तुम्हारी हरकतों पे पहले से शक था इसलिए उसने अपना नॉमिनी किसी और को बना दिया। और अब उस नॉमिनेशन के हिसाब से तुम्हारे बिजनेस में 50% पार्टनरशिप मालिनी की है। मालिनी तो मेरे लिए कुछ नहीं बदला। उतर गया नशा अब पियो। एक बात समझ में नहीं आई तो सारी बात बाहर आ गई फिर आप मुझे ये पैसे क्यों दे रही? तुम्हारी जुबान बंद रखने की। अब ये पैसे लो मेरी जिंदगी और इस केस से दफा हो जाओ। फिर तो आपको ये रकम दुगनी करनी पड़ेगी मैम। बहुत ही घिनौने किस्म के इंसान हो तुम। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। पैसों के लिए तो कोई किसी की जान भी ले सकता है मैम। ये कैसा सपना है? किसकी लाश थी? ये केस ओवर एंड आउट है। कबीर ही कातिल है जिसने गुस्से में आकर उस रजत की जान ले ली और उसके बाद रैश ड्राइविंग में अनमोल की। तो इस केस का कुछ नहीं होने वाला। और जब तक अदालत फैसला नहीं सुना देती तब तक केस समाप्त नहीं होता। कबीर को दंड मिलने से मालिनी का सीधा सीधा लाभ है। उसकी सारी धन संपत्ति मालिनी की हो जाएगी। द्वितीय उसका बिजनेस पार्टनर मनीष जो भी कई वर्षों से अकेले व्यवसाय करने में रुचि रख रहा है हो सकता है अपने भागीदार को हटाने के लिए उसने कबीर को फंसाया। लैला भी है जो कबीर से प्रेम करती है। संभव है कि अगर कबीर ने उसके प्रेम को नकारा हो तो उसने बदला लेने के लिए कबीर को फंसाया। और अंत में बॉस्को जो धन की लालच में आकर कुछ भी कर सकता है। दवे केडी अगर तुम्हें रजत की बॉडी के लिए फ़ोन किया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें अब तक कुछ नहीं मिला है। समंदर से मिली सारी लाशें चेक कर ली शहर के सारे मॉक्स सारे हॉस्पिटल्स लेकिन रजत की बॉडी का कहीं नामो निशान नहीं है। अदालत भी बिना बॉडी के अपना फैसला सुना देगी तुम्हारे क्लाइंट के खिलाफ। केडी तुम्हारा ये केस तो सॉल्व हो गया। सहानुभूति के लिए धन्यवाद दवे। अरे केडी वैसे ये केस तो सॉल्व हो गया है लेकिन तुम वो पहेली भी सॉल्व कर दो ना यार। वो प्रोसिक्यूटर गुहा ने मुझे बताई है वो बस स्टॉप वाली जहाँ एक बूढ़ी अम्मा मेरा पुराना दोस्त और सनी लियोने खड़े हैं लेकिन मैं सिर्फ एक को लिफ्ट दे सकता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है तवे? अगली बार मिलेगा तो उत्तर दे दूंगा। अब अरे मैं बताना भूल गया यार वो क्या नाम है तुम्हारा क्लाइंट कबीर तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है मैं पहुँचता हूँ। बाय सनी। आई मीन दवे। दवे को ना से हमें तो उस पहेली का जवाब बता दीजिए। बस स्टॉप पर 3 लोग एक बूढ़ी औरत जो भी मरने वाली है दूसरा तुम्हारा दोस्त जिसने कभी तुम्हारी जान बचाई और तीसरी तुम्हारी फेवरेट हीरोइन सनी लियोन है। किसे लिफ्ट दोगे? वही जिससे सब खुश हो जाए। अब गाड़ी की चाबी अपने दोस्त को दे दो उसको बोलो कि बूढ़ी अम्मा को अस्पताल छोड़ दो और सनी के साथ बस में बैठ जाओ। सनी खुश तुम खुश दोस्त भी खुश बूढ़ी अम्मा भी खुश है ना। अभी मैं निकलता हूँ, दबे से मिलना है। What a पहेली यार, crazy this KD। कैसा सपना? KD साहब, मेरे ख्याल में रजत के साथ जो हुआ, ये सपना उसी से रिलेटेड है। रजत के घर में मेरी उससे कुछ कहा सुनी हुई और फिर चाकू का वार होता है और उसके बाद केमिकल कंटेनर में एक लाश आकर गिरती है। तब किसकी लाश? रजत की? शायद रजत की ही होगी। मुझे लगता है कि मैंने उसे मारकर उसकी लाश अपने केमिकल फैक्ट्री के केमिकल कंटेनर में छुपा दी। विचित्र बात है, मालिनी तो कह रही थी कि कबीर ने रजत की बॉडी को समंदर में फेंका। शायद केडी साहब, मैंने वो झूठ बोला हो ताकि वो लाश ना मिले, इसलिए। मैंने किसी से सीखा है केडी साहब कि हार और जीत से बड़ा फैसला झूठ और सच का होता है। मुझे पता नहीं कि एक्सीडेंट से पहले मैं अच्छा आदमी था कि बुरा, लेकिन अब मैं भी वही करना चाहता हूं जो सही है, बिल्कुल आपकी तरह। अगर मैं गुनहगार हूं KD साहब, तो मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। वरुण, दवाई को लेकर खन्ना साहब की केमिकल फैक्ट्री में जाए। KD, मैं घर जाती हूँ और कुछ काम है। नहीं, कुछ नहीं बिली, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ मिला? अरे कुछ नहीं है। अरे यहाँ पे वरुण। हाँ चल यार, यहाँ कुछ नहीं है, चल। अबे एक मिनट, वो देख वहाँ पर भी वैसे ही केमिकल कंटेनर है जो वहाँ पीछे था, चेक कर लेते। अच्छा कबीर? रजत खुराना की बॉडी ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ तो कबीर की बॉडी में थी। तो ये कौन है? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? जी नहीं है डॉक्टर साहब, इनका कोई जुड़वा भाई नहीं। तो फिर एक ही शक्ल के दो लोग, और रजत कहाँ है? चलो ना, महापहेली का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ मैं। रसायन के कंटेनर में जो मृत शरीर प्राप्त हुआ योर ऑनर, वो असल कबीर खन्ना था, जिसका अर्थ यह होता है कि असल कबीर खन्ना मर चुका। लेकिन 2 महीने तक ये लाश सही सलामत कैसे रही? वो इस कारण से योर ऑनर, क्योंकि हत्यारे को ऐसा लगा कि अगर वो उस शव को केमिकल में डाल देगा तो वो नष्ट हो जाएगा। और संयोग की बात है योर ऑनर के हत्यारे ने कबीर खन्ना साहब के शव को एक ऐसे रसायन में रखा, फॉर्मल्डिहाइड योर ऑनर, जिसका उपयोग बायोलॉजी के प्रयोगशाला में किया जाता है जानवरों के अंगों को परिरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। यू मीन टू से कि कबीर की बॉडी डिस्ट्रॉय होने की बजाय प्रिजर्व हो गई? जी जी। कबीर की बॉडी? तो रजत की बॉडी कहाँ? योर ऑनर, यही तो अद्भुत बात है कि रजत खुराना जी न केवल जीवित तो इस समय इस अदालत में भी उपस्थित है। मेरे मौके के लिए रोन, मेरे मौके के लिए रोन, मिस्टर कबीर खन्ना ने, मिस्टर कबीर खन्ना ने, मिस्टर रजत खुराना, रजत। ये आपको कैसे पता चला? मिस गुआ, हुआ यूं कि रजत खुराना साहब बहुत ही निपुण गिटार प्लेयर थे। इसके अतिरिक्त ओरिगामी कला योर ऑनर, कागज को मोड़ने की कला जापान से आती है, उसमें भी निपुणता प्राप्त की थी। जबकि कबीर खन्ना साहब इन दोनों कलाओं में बिल्कुल, न उन्हें गिटार बजाना आता था न ओरिगामी आता था। किंतु जब मेरी इनसे भेंट हुई तो मैंने पाया कि ये दोनों ही कला में निपुण है। वहां से मेरा संदेह जाग आया। तो योर ऑनर, इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए मैं सर्वोदय अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दयाल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति? डॉक्टर साहब, इस दुविधा को सुलझाएंगे? जी योर ऑनर, उस रात एक्सीडेंट के बाद इनको मेरे ही हॉस्पिटल में लाया गया था और मैंने ही, देखिए मैं इनकी याददाश्त को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इनके चेहरे को वापस ला सकता हूँ। आपके पास कोई फोटो है आपके पति की? जी। डॉक्टर, डोंट वरी, प्लास्टिक सर्जरी के बाद ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। डॉक्टर, इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी सर्जरी, इतनी जल्दी रिकवरी और एक निशान भी नहीं। और इस रहस्य की जानकार केवल मालिनी जी ने ही रजत खुराना इनके प्रेमी को अपने पति कबीर खन्ना का मुख एक तीर दो निशान। इनका प्रेमी आजीवन इनके साथ रहता और इनके पति की हत्या में किसी को संदेह, किसी को शंका क्यों मानो? क्या मैं सही कह रहा हूं और इस प्रकार से आपने में अदालत को इस गुत्थी में उलझाए रखा। कभी कहा कि रजत जी लौट गए, अमेरिका चले गए वापस, फिर कहा कि फोन ही नहीं उठा रहे, नंबर बदल दिया, फिर कहा कि कबीर जी ने उनके शव को समुंदर में डाल दिया है, इत्यादि। जबकि हमेशा रजत खुराना आपके प्रेमी के सामने। और इससे पहले योर ऑनर की ये कहें कि ऐसा इन्होंने नहीं किया या कोई और बहाना बनाए या हमें और उलझाने का प्रयास करे, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि उस रसायन के कारखाने में जिस व्यक्ति ने मेरे सहायक पर वार किया, और जिस पर इंस्पेक्टर दवे ने गोली चलाई, वो यही थी। इनके दाहिने हाथ पर गोली का जख्म अवश्य होना चाहिए। आप दिखाएंगी या बुलवाएं लेडी हवलदार? साइलेंस इन द कोर्ट। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बताओ उस रात क्या हुआ था? बताइए, आपके प्रेमी आग्रह कर रहे हैं, आप बता दीजिए क्या हुआ था उस रात। उस रात मैं कबीर के साथ मनीष मखीजा की पार्टी में थी। वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कबीर ने तो शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हम पार्टी से लौट रहे थे, तभी मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम कबीर के जापानीज कॉन्ट्रैक्ट को सेलिब्रेट करें। इसीलिए हमने पनवेल की उस दुकान से वो विस्की खरीदी, लेकिन कभी वो अलग ही मूड में था। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं पीता नहीं। अरे कम ऑन, एक घूंट तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए। तुम पियो और खुश रहो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मुझे बहुत जरूरी काम है, किसी से मिलना है। वो जरूरी काम रजत से मिलने का था। कबीर रजत के घर गया और वहाँ जाकर दोनों के बीच मुझे लेकर आपस में बहस हुई और हाथापाई भी हुई, जिसमें कबीर ने चाकू से रजत के ऊपर वार किया। कबीर को लगा कि रजत मर गया है, इसलिए वो वहां से निकल के सीधे घर आ गया। मार डाला तुम्हारे आशिक को। मैंने कबीर को सफाई देना चाहा, लेकिन कबीर बहुत गुस्से में था। उसने मुझ पर हमला किया। गहमा गहमी में कबीर का कत्ल हो गया और वो खून मैंने किया। फिर हमने कबीर की अबैंडन केमिकल फैक्ट्री में कबीर की लाश को डाला। रजत पुलिस के पास जाना चाहता था। योर ऑनर, कहाँ जा रहे हो रजत? पुलिस के पास जा रहा हूँ, जो हुआ वो सच बता देंगे। पुलिस के पास मत जाओ प्लीज, पुलिस के पास जाएंगे तो हमें जेल हो जाएगी। रजत, हमारा फ्यूचर है आगे। इसके बाद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अंडरस्टैंड? रजत प्लीज। यही कहानी थी। एक झूठ को सच बनाने के लिए मैंने हजारों झूठ बोले। एक छोटा सा सच काफी होता है हजार झूठ को मारने। रजत जी, आपको इस हत्या के आरोप से तुम्हें मुक्त कर चुका हूं। दुर्भाग्यवश साथ साथ ये भी प्रमाणित हो गया कि आप नशे की अवस्था में गाड़ी चला रहे हैं। उसका जो भी दंड उचित समझेंगे न्यायाधीश महोदय, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपने मेरे लिए जितना किया मिस्टर पाठक उतना काफी है। आपने मेरी वास्तविकता से मेरा परिचय कराया। आपने मुझे बताया कि मैं कौन हूं। और रही बात सजा की मिस्टर पाठक, तो वो तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अगर मैं गिल्टी हूं, अगर मैं गुनहगार हूं, तो फिर मुझे सजा मिलनी चाहिए। उसका मुझे कोई रंज नहीं होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक। थैंक यू। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत मिसेज मालिनी खन्ना को उनके पति कबीर खन्ना की हत्या के जुर्म में दोषी पाती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और रजत खुराना को हत्या के दोष से बाइज्जत बरी करती है। लेकिन अनमोल पेंडसे की हादसे में हुई मौत पे ये अदालत उस सिलसिले में रजत खुराना को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। The case is closed. मस्ट से मिस्टर पाठक कि बिल्कुल पॉट बॉयलर केस था। अभी ये सॉल्व कर दिए तो वो पहेली भी सॉल्व कर दीजिए प्लीज। एक शर्त है मेरी, आपको भी एक पहेली सुलझानी पड़ेगी। अभी नहीं, अगले हफ्ते। तब तक के लिए